हरे कृष्णा। गीता के अनमोल वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी गीता पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ एवं प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही अनेक धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल और कुरान का अध्ययन करने के बाद जब इन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए की। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी ने सन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ने के बाद भगवान नाम के प्रचार और प्रसार में सतत रूप से कार्यरत हैं और जयपुर और मुंबई समेत अनेक शहरों में भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार हमारे पास वर्तमान में कुल 6% शास्त्र ही उपलब्ध हैं और उनको भी न तो हम जानते हैं और हमारे पास ना ही पर्याप्त समय है उनको पढ़ने और समझने का। तो यदि हम केवल भगवद गीता को ही अध्ययन कर लें और उसको ही समझ लें तो हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि यह भगवद गीता समस्त वेदों व उपनिषदों का सार है। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी गीता के प्रत्येक श्लोक को स्पष्ट रूप से समझाते हुए हमें अनेक जीवनोपयोगी शिक्षाएं प्रदान करेंगे। तो आइए श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी के मुख से सुनते हैं गीता के अनमोल वचन। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हमारा क्रमानुसार जो श्रीमद् भगवद गीता से जो चर्चा चली आ रही है उसी को लेकर हम अग्रसर करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का इनका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और आज हम श्लोक नंबर 44 से पाठ करेंगे। अहो बहत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्गत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। आज यहाँ पर इन श्लोकों में अर्जुन युद्ध न करने के चौथे कारण को व्यक्त करते हैं। अर्जुन के इन तर्कों को अगर देखा जाए
तो सबसे प्रथम उन्होंने युद्ध न करने के तर्क दिए थे और वो था करुणा, और द्वितीय उन्होंने कारण प्रदान किया वो था भोग, और तीसरा कुल का विनाश। अब चौथा वे अपने कारण व्यक्त करते हैं। इस तर्क को रखते हुए कहते हैं कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अहो बहुत महत पापम, बड़ा भयंकर पाप मुझ पर चढ़ेगा। यहाँ पर अर्जुन पाप से बड़ा ही डरते हुए वे अवगत कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं उन्हें वे कह रहे हैं कि पाप के विषय में, और क्या कहते हैं कि अपने ही संबंधियों को मारकर बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा क्योंकि ये जितने भी जनगण हैं वे सब मारे जाएंगे और स्त्रियां विधवा हो जाएगी और स्त्रियां को संरक्षण करने वाला कुल में कोई रहेगा नहीं और कुल धर्म नाश होगा, स्त्रियां दूषित होगी, अवांछित संतानें होंगी और ये अवांछित संतानें कुल धर्म का तो पालन नहीं करेंगे, पितरों को पिंडदान नहीं देंगे और पितरों का पिंडदान न देने के कारण उनका श्राप चढ़ेगा और जिस कारण से वे भी नरक जाएंगे और मैं भी नरक जाऊंगा। अब कहते हैं कि ऐसा घोर पाप मुझ पर चढ़ेगा। वाकई अर्जुन के जीवन में अगर देखा जाए कि वे निष्णा वे अनघ यानी कि वे निष्पाप है, उनका मुख्य कारण यह है कि स्वयं अर्जुन भगवान के आराध्य भगवान को ही कृष्ण को ही अपना आराध्य मानकर वे अपने जीवन को व्यापन किए हैं। मगर यहाँ पर अर्जुन हम सबको शिक्षित करते हुए ये बताते हैं कि देखिए पाप से कितना डरना चाहिए। वाकई ये पाप पृथ्वी में जीवात्मा जब रहते हैं तो उसे इस अनेक प्रकार के पापों से उसे बचने के लिए एकमेव उनका आश्रय है वो है भगवान या भगवत आश्रय। भगवान के आश्रय में जाने मात्र से तमाम प्रकार के पाप से वे छुटकारा प्राप्त करते हैं। और वो पाप है क्या, यहाँ पर अर्जुन के समझदारी में थोड़ी कमी हो गई और वे पाप को जो पाप का निर्णय लेना चाहते थे, जो पाप को जो वे समझ रहे थे वे कुछ उलट सुलट हो गया था। पाप उसे कहते हैं, सरल शब्द में पाप उसे कहते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वे पाप है, अर्थात जो धर्म के कर्ता वक्ता अभिरक्षिता वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके ही अनुसार जो कार्य करते हैं वे पाप नहीं माना जाता है। और यहाँ पर अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण मुझे ऐसे घोर पाप में लगा रहे और अपना आदेश देकर, ये अर्जुन की समझदारी में थोड़ी लड़कपन दिखाई दे रही है। वैसे भगवान जो कहते हैं वे ही वास्तविकता में धर्म है। कहा जाता है महाभारत में जब द्रोणाचार्य जब बड़े रफ्तार से जब युद्ध कर रहे थे और उस युद्ध में वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उपयोग कर रहे थे कमज़ोरों पर और उस कमज़ोर सेनाओं को भी ख़त्म करते जा रहे थे और बड़े तेज गति से वे आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ये जब दृश्य देखा तो कृष्ण ने सोचा कि ज़रूर कुछ करना होगा, और कृष्ण तुरंत ही पांच पांडवों के समक्ष आकर कहने लगे कि अश्वत्थामा हाता कर बोलिए, अश्वत्थामा हाता। अब भीम को कुछ सुझाने भीम ने उठाया अपना गदा
और उस गधे को लेकर वो दौड़ते हुए गए और अश्वत्था नाम के हाथी पर प्रहार किया और गधा धराशायी होकर मर पड़ा। केवल वो गधा मस्तक पर लगने मात्र से हाथी लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़ा और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे भीम, अश्वत्थामा हाता, अश्वत्थामा हाता। और इतनी जोर से आवाज़ थी भीम की, कहा जाता है कि उनके ध्वनि की आवाज़ से सामने वाले जो सेनाईगण, जो शत्रु पक्ष के जितने भी विपक्ष सेनागण रहते थे, वे केवल आवाज़ सुनकर मलमूत्र त्याग देते थे। कुछ लोग का तो हार्ट फेल होकर वे चल बसते थे, लड़ना तो बात की बात है। और यहाँ पर इतनी ज़ोर से आवाज़ से जब उन्होंने चिल्लाए अश्वत्थामा हाता, तो ये ध्वनि पहुँची द्रोणाचार्य के कान में। द्रोणाचार्य तुरंत ही सुनते ही एकाएक भौचक्का में पड़ गए, अश्वत्थामा हाता। मगर तथापि उनके मन में एक संदेह बना था। द्रोणाचार्य के लिए बड़ा ही प्रिय था और वो था उनका पुत्र। अब जब उन्होंने अपने प्रिय वस्तु के गुजरने की जब खबर सुनी, तो उन्हें एकाएक मायूसपन, उन्होंने मायूसता ने उन्हें ग्रस्त कर लिया। और ऐसी अवस्था में द्रोणाचार्य वे लड़ने के सारे उत्साह को खो दिए। मगर फिर भी उनके मन में एक संदेह था, और संदेह ये था कि वाकई अश्वत्थामा हाता। अब इस संदेह को दूर करने के लिए अश्वत्थामा अब किसके पास जाए? वे जानते थे कि इस रणभूमि में एक ही सत्यवादी है और वो है युधिष्ठिर महाराज, धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज। और धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज से पूछने के लिए जब द्रोणाचार्य ने अपने रथ को उनके पास दौड़ते हुए लेकर गए, और उनके समक्ष आते ही जब द्रोणाचार्य ने जब ये खबर पूछा अश्वत्थामा हाता, और ठीक द्रोणाचार्य के पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, और कृष्ण का चेहरा युधिष्ठिर महाराज के समक्ष, और युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य को भी देख रहे हैं और कृष्ण को भी देख रहे हैं, और द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं अश्वत्थामा हाता, और युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण इशारा कह रहे हैं, इशारा कह करते हुए कह रहे कि बोल दो अश्वत्थामा हाता। युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे, मेरे तो सत्य वचन की बोली जो स्वर्ग लोक तक इनका डंगा बजता है, मैं इतना सत्यवादी हूँ, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसी कारण से उनका रथ भूमि से कुछ इंच ऊंचा चलता था, भूमि को स्पर्श ही नहीं करता था। वैसे युधिष्ठिर महाराज सत्य बोली में पूरे विख्यात और प्रसिद्ध थे, ऐसे यशस्वी थे सत्य बोली में, और इस कारण से उनका रथ भूमि को छूता ही नहीं था। और यहां पर युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मैं अपना रेपुटेशन कैसे गवाऊं, मैं अपना सत्य वचन जो मैं बोली बोलता हूं, इस बोली को मैं कैसे मिट्टी में मिला दूं एक झूठ बोलकर। युधिष्ठिर महाराज संदेह में पड़ गए, और वही पूर्ण पुरुषोत्तम जो परम सत्य है, वे मुझे कह रहे झूठ बोलने कि अश्वत्थामा हाता। तथापि युधिष्ठिर महाराज दोनों बात को तौलते हुए, युधिष्ठिर महाराज अपनी बुद्धि के तराजू से उन्होंने ये निर्णय निकाला कि मैं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा उसमें और
अपना मिलावट भी कर दूंगा। और तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अश्वत्थामा हाता। अब उन्होंने आगे क्या जोड़ा, नरोवा कुंजुरोवा। नरोवा कुंजुरोवा कहने का तात्पर्य यह था कि युधिष्ठिर महाराज ये समझा रहे द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा मारा गया है, कि पशु मरा है कि मनुष्य मरा है, ये थोड़ा संदेह है। अब जिस समय युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा, अश्वत्थामा हाता, उसी क्षण भगवान जान गए कि अब ये आगे और बोलने वाला है। तुरंत ही भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख इतने जोर से बजाए कि आगे की बोली द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी नहीं, नरोवा कुंजुरोवा तो सुने ही नहीं, वे केवल इतना सुन लिए, अश्वत्थामा हाता। और द्रोणाचार्य को लगा कि सेंटेंस फुल स्टॉप हो गया है, जबकि आगे उन्होंने ये भी जोड़ा था, नरोवा कुंजुरोवा। मगर भगवान कृष्ण इतने चतुर, अपने चतुराई से उन्होंने द्रोणाचार्य को केवल उतना ही बात सुनने के लिए लगा दिए। और इतने में द्रोणाचार्य हताश होकर वे अपने रथ से उतरे। कहा जाता है कि उसी क्षण सप्तऋषिगण आकाश वायुमंडल पर आ गए और द्रोणाचार्य को फटकारने लग गए कि तुमने ये ठीक नहीं किया, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र तुम कमजोरों सेनाओं पर उपयोग किए, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं था। अब ये सुनकर तो बचा कुचा जो जीने की जो आशा थी वो भी खत्म हो गई। द्रोणाचार्य अपने सारे अस्त्र शस्त्र को छोड़कर रणभूमि के बीचों बीच समाधि अवस्था में अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और उसी क्षण धृष्टद्युम्न अपने रथ से कूद कर आकर उन्होंने द्रोणाचार्य का गर्दन काट दिए। हालांकि यहाँ पर कृष्ण चाहते थे, कृष्ण का प्रयोजन था कि द्रोणाचार्य इस प्रकार के अपराध से थोड़ा पीछे हटे, और इसी कारण से द्रोणाचार्य को इस प्रकार के खबर सूचना देने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि अश्वत्थामा हाता बोलो। मगर हुआ क्या, कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा अश्वत्थामा हाता, नरोवा कुंजुरोवा, और उसके कुछ ही क्षण पश्चात युधिष्ठिर महाराज का रथ भूमि पर जाकर घिरा धड़ाम करके। अब युधिष्ठिर महाराज का भूमि पर रथ गिरने का कारण क्या है, कुछ आचार्य जन कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जब कहा तो उस बात को कहने के लिए युधिष्ठिर महाराज झिझकने लग गए और इस कारण से उनका रथ गिरा। जो भगवान कहते वही सत्य है। एक आचार्य ने तो इतनी सुंदर बोली लिखी कि इसलिए युधिष्ठिर महाराज का रथ गिरा क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा झूठ बोलो और झूठ नहीं बोला, इसलिए गिर गया। अर्थात भगवान कृष्ण की जो आज्ञा है वो ही हमारे लिए धर्म है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। कृष्ण जो कहते हैं उसी को ही स्वीकारना चाहिए। और यहां पर अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण मुझे घोर पाप में लगा रहे, जबकि ऐसे पाप में, पाप रूपी जो विचार जो अर्जुन के मन में घुस गया, क्योंकि वे इस बात से अवगत हो गए कि कृष्ण
की बात को मुझे सुनना चाहिए, और इस बात से वे वंचित थे। इस बात से क्षण भर के लिए वो भूल गए कि किस प्रकार मैं कृष्ण की बात को सुनूं, और वे अपना मत लगाने लग गए। और इसी कारण से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझसे पाप नहीं होगा, जबकि भगवान कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है, उसी को ही स्वीकारना चाहिए। जबकि अर्जुन कृष्ण की आज्ञा का अवहेलना करने लग गए, और इस कारण से अर्जुन वाकई जो नहीं लड़कर पाप कर रहे थे, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन न करना ही पाप है, उसी को ही पाप माना जाता है। और ऐसे अवस्था में अर्जुन अपनी तर्क बुद्धि से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा घोर पाप नहीं करना है। वाकई भगवान के जो भक्तगण होते हैं वे पाप से बड़े सतर्क रहते हैं, वे कभी वैसा कदम नहीं उठाते जो भगवान को अप्रसन्न करें। वे हमेशा इस बात से सतर्क रहते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं। तो चाहे भला वो कुछ भी क्यों ना हो, जैसे इस कहा गया है, क्योंकि भगवान के भक्तगण भगवान की आज्ञा का पालन करते, इसलिए भगवान के भक्तगण के लिए भगवान निकटता निकट एकदम पास है, जिससे वे आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम जीवन में पाप के बोझ को बढ़ाते हैं, उतना ही हमारे और कृष्ण के बीच में फासला बढ़ जाता है। वैसा पाप जो हमें कृष्ण को, कृष्ण के बीच में, हमारे और कृष्ण के बीच में दीवार खड़ा कर देता है। तो वैसे दीवार खड़ा होने का मुख्य कारण है पाप, जैसे वर्णन किया गया है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी कर कर मटकी फोड़ कर जब भाग रहे थे, यशोदा मैया उन्हें दंड देने के लिए जब उसके उनके पीछे भागी, यशोदा बियो लुक लाधव मानम पराम दृष्टम अत्यंत द्रुतत गोप्या। और क्योंकि भगवान कृष्ण भाग रहे हैं, कहा जाता है कि उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता, मगर यहाँ पर यशोदा मैया बड़े आसानी से पकड़ ली। और कारण क्या है? अनघ, क्योंकि यशोदा मैया निष्पाप, जो सतत भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना जीवन व्यापन की है, तो भला उनके लिए कृष्ण को पकड़ना का कठिन है। अब उसी कृष्ण लीला में अगर देखा जाए, आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण का काल यवन के साथ सामना होता है, और काल यवन के साथ आमना सामना हुआ, उस समय काल यवन कहते हैं युद्ध के लिए जब आए, तब कृष्ण ने कहा इतनी सारी सेनाओं के साथ क्या लड़ना है, ऐसे करते हम दोनों केवल मैदान में ही उतरते हैं। और काल यवन ने देखा ये छोटा बालक इतना कोमल, इतना मेरे सामने ऐसी कच्ची उम्र वाला बालक भला मुझसे क्या लड़ेगा। और जो काल यवन जो थे वे इतने बलवान, और कहा जाता है कि वे महादेव से सिद्धि प्राप्त किए थे, और वैसा काल्यवन जब कृष्ण के साथ जब आमना सामना हुआ, कृष्ण ने कहा कि चलो आ जाओ मैदान में, और जब मैदान में उतरे तो कृष्ण अब चलने लगे तो काल्यवन उनके पीछे भागने लगा। अब कृष्ण चले जा रहे, काल्यवन केवल भागते जा रहे,
और केवल चले जा रहे, वे भागते जा रहे, मगर कृष्ण के चलने की रफ्तार को भी काल्यवन नहीं पकड़ पाया। और क्या कारण था? कारण ये था कि काल्यवन अपने जीवन में इतने पाप बोझ भर लिए थे कि वे कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते। अर्थात अगर हम भी अपने जीवन में पाप के बोझ को अगर बढ़ा देंगे, तो वैसे पाप के बोझ को लेकर कृष्ण के पीछे भागना नामुमकिन है। इसीलिए जो बुद्धिमान भक्त जो होते हैं, वे क्षण क्षण अपने पाप के बोझ को वे कम करते जाते हैं, जिससे वे कृष्ण के पीछे भागने की जो रफ्तार है वो और जोर से होती है। जिस प्रकार देखा जाए यशोदा मैया और काल्यवन दोनों में सबसे रफ्तार में भागने वाला कौन हो सकता है? अब बाहरी दृष्टि से देखा जाए तब तो यही कहेंगे कि काल्यवन यशोदा मैया से भी रफ्तार से भाग सकते हैं, लेकिन ये तो केवल हमारे स्थूल केवल बाहरी दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से क्या वास्तविक हकीकत क्या है कि मैया जो है काल्यवन से भी रफ्तार से भागने में निष्णात है। और कारण क्या है? क्योंकि मैया निष्पाप अनघ जो सतत भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है, इसलिए वे आसानी से पकड़ सकती है। वैसे ही हमें अपने जीवन में जब हम इस पाप के बोझ से हम जब हल्के होते हैं, तब भक्ति में भागने की जो रफ्तार है हमारी और तीव्रता से होती है। और ऐसे पाप के बोझ को हल्का करने का एकमेव विधि है, वे भगवान का नाम संकीर्तन। केवल भगवान के पवित्र नाम के जप और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन के कदम बढ़ाना ही एकमेव उपाय है, जिससे हम अपने जीवन में पाप को भी धो सकते हैं और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।